लद्दाख का अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश दो ऐसे बॉर्डर्स हैं जिस कारण इंडिया चाइना में कई सारे स्टैंड ऑफ्स हुए हैं। रिसेंटली 2-3 साल से ये स्टैंड ऑफ्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। करंटली अक्साई चिन जो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है वो फिलहाल चाइना के कब्जे हैं, मगर ये चाइना के पास में आया कैसे आज इसी वीडियो में हम जानेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें ये मैप देखिए। लद्दाख के दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कारगिल और लेह, और लद्दाख के ईस्टर्न साइड में एक और रीजन है अक्साई चिन। वैसे तो ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है मगर फिलहाल चाइना के कब्जे में। अक्साई चिन के नॉर्थ में है चाइना की शिनजियांग प्रोविंस और साउथ में है तिब्बत, और अक्साई चिन इन दोनों को जोड़ने का काम करता है एक पाथ प्रोवाइड करके। अक्साई चिन 5,000 मीटर की हाइट पे सिचुएटेड है, इस कारण ना तो वहाँ पे घास का एक तिनका उगता है ना कोई लाइफ सर्वाइव कर पाती है। मगर ये रीजन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए होल्ड करता है क्योंकि चाइना को अगर तिब्बत पे कंट्रोल करना है तो शिनजियांग प्रोविंस से जाने का रास्ता अक्साई चिन से होकर निकलता है। इसी कारण चाइना इस रीजन को छोड़ना नहीं चाहता और इस एरिया पर काफी डोमिनेंस चाइना की है। तो चाइना के पास ये एरिया आया कैसे, इससे पहले अक्साई चिन की थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं 1840 से शुरू करके। 1840 में लद्दाख रीजन पर सिख एम्पायर का रूल था, राजा थे गुलाब सिंह डोगरा। 1946 में ब्रिटिशर्स ने गुलाब सिंह डोगरा से फाइट किया और उन्हें हरा दिया और लद्दाख रीजन के बॉर्डर्स को डिफाइन करने का काम करने लगे। अब जब वो बॉर्डर्स को डिसाइड कर रहे थे तो उन्होंने नेबरिंग चाइनीज एम्पायर को भी इन्वाइट किया कि आप भी आ जाओ, हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसकी बाउंड्री कहाँ तक है। मगर चाइनीज एम्पायर ने उस समय कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि उनका उस रीजन तक कोई एक्सपांशन ही नहीं हुआ था और ये रीजन इतना डेजर्टेड था, 5,000 मीटर की हाइट पे था कि किसी को इस डेजोलेटेड प्लेस पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो भाई 1865 में एक ब्रिटिश ऑफिशियल जॉनसन ने अपनी एक लाइन खींच दी, इसका नाम पड़ा जॉनसन लाइन, जिसमें उन्होंने प्रॉपर मैप बनाकर अक्साई चिन को इंडिया का एक पार्ट बताया और प्योंगयांग लेक के नॉर्थ तक पूरी लाइन खींच दी, मगर नॉर्थ पार्ट को थोड़ा सा छोड़ दिया क्योंकि वो रीजन इतना इनहैबिटेबल था कि वहां को ट्रेस करना और जाना इम्पॉसिबल था। इस बार उन्होंने जब ये मैप बनाया तो उन्होंने चाइना से डिस्कस करने की जरूरत नहीं समझी क्योंकि चाइना का शिनजियांग प्रोविंस पर, जो कि लद्दाख के नॉर्थ में सिचुएटेड है, उस पर कंट्रोल नहीं था और चाइना इतना एक्सपांड नहीं हुआ था कि वो अक्साई चिन तक पहुंच पाए। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि चाइनीज एम्पायर से इसके बारे में कंसल्ट करने की हमें कोई जरूरत नहीं, हम अपने हिसाब से कोई भी लाइन खींच सकते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अक्साई चिन पर कुछ भी नहीं है। और इस एम्बिग्विटी के कारण ही अक्साई चिन वाला इतना बड़ा डिस्प्यूट शुरू हुआ, जिस कारण इंडिया और चाइना दो न्यूक्लियर सुपर पावर्स आज तक आपस में लड़ रही हैं। अब जो 1865 की जॉनसन लाइन खींची हुई थी उसी लाइन को फॉलो करते इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद भी अक्साई चिन को अपना हिस्सा मान चुकी है, और इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस के बाद में अक्साई चिन के कई बॉर्डर पोस्ट बनाए, वहां पर अपनी सेना तैनात की और पूरी तरह से अक्साई चिन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। मगर इस बीच चाइना ने भी अपना एक्सपांशन काफी दूर दूर तक कर लिया था और उन्होंने तिब्बत को कर लिया था। अब नॉर्थ में चाइना की एक प्रोविंस है शिनजियांग और साउथ में है तिब्बत, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए चाइना को चाहिए था एक रास्ता, तो उन्होंने रोड बनानी शुरू की 1954 में। शिनजियांग प्रोविंस से तिब्बत तक ये जाती हुई रोड अक्साई चिन के बीच से होकर निकली, लगभग 112 किलोमीटर रोड उन्होंने अक्साई चिन के अंदर बना दी, और इस बात का पता इंडिया को लगा ही नहीं। उन्हें पता लगा 1958 में जब चाइनीज ऑफिशियल मैप्स में ये रोड दिखाई देने लगी, तब इंडियन गवर्नमेंट को पता चला, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा एरिया है, तो चाइना ने कहा नहीं नहीं ये तो हमारा एरिया है। तो इसी बीच में हुई लड़ाई इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में। अब 1962 में इंडियन डिफेंस की हालत थोड़ी सी खराब थी, इस कारण इंडिया चाइना को उतनी अच्छे से रिटेलिएट नहीं कर पाया और चाइनीज आर्मी ने अक्साई चिन एरिया को कैप्चर करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक अपनी जगह बना ली, और उसके बाद से ही इंडिया और चाइना के बीच में एक नया बॉर्डर खिंच गया जिसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि अक्साई चिन और लद्दाख को सेपरेट करती है। अब वॉर के बाद में चाइनीज गवर्नमेंट का ये कहना था कि जब इंडिया ने अक्साई चिन को अपना रीजन बताया तब उन्होंने चाइना से डिस्कस ही नहीं किया, मगर सच बात तो ये है कि उस समय चाइना डिस्कस करना ही नहीं चाहता था क्योंकि उन्हें इस एरिया में इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि तिब्बत ना तो उनके पास था ना जिंजियान प्रोविंस उनके पास थी। जब जिंजियान और तिब्बत दोनों चाइना के पास में आ गया तब उन्हें अक्साई चिन की जरूरत महसूस होने लगी और तब उन्होंने इस पर रोड कंस्ट्रक्ट कर दी, और चाइना का एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड तो पूरा वर्ल्ड जानता है। इंडियन चाइनीज वॉर 1962 के बाद में काफी सारे क्लैशेज हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच में। रिसेंटली एक क्लैश हुआ था गलवान वैली क्लैश, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स और 42 चाइनीज सोल्जर्स शहीद हुए। और दोस्तों इंडिया और चाइना के नॉन कोऑपरेशन का एक और बड़ा रीजन है तिब्बत। इंडिया ने तिब्बत को बहुत सपोर्ट किया, तिब्बत के जो लीडर थे दलाई लामा उनको इंडिया ने शरण दी क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो तिब्बत में ही रहेंगे तो चाइना उन्हें कभी जीने नहीं देता, इसलिए वो भागकर इंडिया में आ गए थे और तब से आज तक वो इंडिया में ही रह रहे हैं। ये चाइना के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने का, और इसी कारण चाइना और इंडिया में बार बार ये क्लैशेस होते रहते हैं। वैसे एक और रीजन है इंडिया और चाइना के बीच में क्लैशेस होने का, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। वहां भी एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड अपना काम कर रहा है और चाइना अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा बताता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश वाले डिस्प्यूट पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।